तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन बीजियांग कॉन्टिनेंट में पहुंच जाता है, साथ ही उसकी मुलाकात वहां एक जिली नाम की लड़की से होती है जिसे कुछ रॉबर्स परेशान कर रहे थे, पर जिन उन रॉबर्स को मार देता है, जिसके बाद जिन जिली के साथ उसके क्लैन में चला जाता है, जहां वो देखता है कि सिटी लॉर्ड का बेटा जिली के फादर से उनकी फैमिली की प्योर आइस लेने के लिए वहां कुछ सैनिकों के साथ आया था। तो ये देखकर जिन उस प्रिंस का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे वो प्रिंस गुस्सा हो जाता है और अपने सैनिकों को जिली का क्लैन खत्म करने के लिए कह देता है, जिसे सुनके जिली का फादर प्योर आइस देने के लिए तैयार हो जाता है। पर जिन को उस प्रिंस को सबक सिखाना था, इसलिए जिन मौका पाकर प्रिंस की गाड़ी के पास पहुंच जाता है और उसके सैनिकों को मार के प्रिंस से आइस फ्लावर नाम का ट्रेजर ले लेता है, जिसे देखकर प्रिंस जिन को रोकने की कोशिश करता है, पर जिन उसे डरा के भगा देता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में जिन जिली को आइस फ्लावर दिखाता है, जिसे देखकर जिली जिन से कहती है कि ये फ्लावर तो सिटी लॉर्ड के पास था, तो तुम्हारे पास कैसे आया। ये सुनके जिन जिली से कहता है कि मुझे ये प्रिंस ने गिफ्ट किया है, तो जिली जिन को बताती है कि ये आइस फ्लावर एक कल्टीवेशन ट्रेजर है जो किसी कल्टीवेटर का लेवल बढ़ाने या उसे ब्रेक थ्रू कराने में हेल्प करता है, साथ ही अगर इसे मेरी फैमिली के प्योर आइस ट्रेजर के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसका असर बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद जिली जिन से पूछती है कि यंग मास्टर इस फ्लावर का असर बढ़ाने के लिए ही तो हमसे वो प्योर आइस लेकर गया था, तो उसने ये फ्लावर तुम्हें क्यों दे दिया। ये सुनके जिन जिली से कहता है कि मैंने यंग मास्टर को एक टेक्निक सिखाई थी, तो उसने खुश होकर मुझे एक गिफ्ट में दे दिया। उसी वक्त जिली के क्लैन में प्रिंस का फादर आ जाता है और जोर से चिल्लाते हुए जिली के फादर से कहता है कि आज मैं तुम्हारे क्लैन को खत्म कर दूंगा क्योंकि तुमने मेरे बेटे को अपने गेस्ट से पिटवाया है। अब ये सुन के जिली जिन और पीटर बाहर जाने लगते हैं। इधर सिटी लॉर्ड की बात सुन के जिली के फादर उससे कहते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, पर सिटी लॉर्ड को जिली के फादर की बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो अपने सैनिकों को जिली के फादर को मारने का ऑर्डर दे देता है। पर उसी वक्त वहां जिन आ जाता है और एक ही अटैक में उन सभी सैनिकों को मार देता है। अब जिन पीटर से कहता है कि तुम जिली के फादर के पास में ही रहना और मैं इन्हें देखता हूँ। इसके बाद जिन सिटी लॉर्ड से बोलता है कि तुम्हारे बेटे को मैंने पीटा था, इसलिए अगर तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो। ये सुनके सिटी लॉर्ड जिन से बोलता है कि ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें मारूंगा और फिर इस क्लैन को खत्म कर दूंगा। इसके बाद सिटी लॉर्ड उसके साथ आए एल्डर से कहता है कि इस लड़के को मार दो। ये सुनके जिली जिन को सावधान करते हुए बोलती है कि ये एल्डर धर्मा लेवल के पीक पर है, इसलिए इससे संभल कर रहना। जिस पर जिन जिली से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे 5 अटैक्स में ही मार दूंगा। ये सुनके वो एल्डर गुस्सा होकर जिन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जिन उस एल्डर को अपनी 5 एलिमेंट स्वॉर्ड टेक्निक से पीछे कर देता है। ये देखकर वो एल्डर समझ जाता है कि जिन बहुत ही पावरफुल है। तभी जिन उस एल्डर पर अपनी स्वॉर्ड स्लैशिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसे वो एल्डर रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता और मारा जाता है। ये देखकर सिटी लॉर्ड सोचता है कि मेरे एल्डर धर्मा लेवल पर थे, पर फिर भी वो इस लड़के से हार गए, मतलब कि ये लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब ये जानकर सिटी लॉर्ड घबरा जाता है। तभी जिन उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है, तो सिटी लॉर्ड जिन से जान की भीख मांगने लगता है, जिसे देखकर जिन बोलता है कि दोनों बाप बेटे एक जैसे ही हैं। तभी सिटी लॉर्ड जिन से कहता है कि मैं आज से इस क्लैन से दूर रहूंगा और इसे कभी भी परेशान नहीं करूंगा। ये सुनके जिन सिटी लॉर्ड को वहां से जाने देता है। अब जिली के फादर जिन को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि सिटी लॉर्ड उन्हें कई सालों से परेशान कर रहा था, पर अब वो ऐसा नहीं करेगा। तो ये सुनके जिन जिली के फादर से बोलता है कि आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिटी लॉर्ड के बेटे को मैंने पीटा था, इसलिए सिटी लॉर्ड से आप लोगों को बचाना भी मेरा ही काम है। इसके बाद जिन जिली से बोलता है कि तुम अपने फादर को उनके रूम में ले जाओ, तो जिली ऐसा ही करती है। आगे जिन अपने कमरे में बैठकर मेडिटेशन करने लगता है क्योंकि वो धर्मा बॉडी लेवल के सेकंड स्टेज पर पहुंचना चाहता था, लेकिन बहुत देर मेडिटेट करने के बाद भी वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। ये देखकर पीटर जिन को होप देता है कि आप चिंता मत कीजिए, आप सेकंड स्टेज पर जल्द ही पहुंच जाएंगे। उसी वक्त वहां जिली आ जाती है और जिन को अपनी फैमिली की प्योर आइज देकर कहती है कि ये मेरे फादर ने तुम्हारे लिए भेजा है क्योंकि आज तुमने उनकी जान बचाई थी। ये सुनके जिन उस प्योर आइज को ले लेता है और बॉक्स खोलकर प्योर आइस को टच करने लगता है, जिसे देखकर जिली जिन को रोकने की कोशिश करती है, पर जिन उस आइस को टच कर देता है जिसकी वजह से उसका पूरा हाथ जम जाता है। साथ ही जिन को अपनी बॉडी के अंदर कोल्ड ऑरा भी महसूस हो रहा था। ये देखकर जिली बोलती है कि ऐसा ही चलता रहा तो तुम मर जाओगे, जिस पर जिन बोलता है कि मैं अपने हाथ को आइस से अलग नहीं कर पा रहा हूँ।
पर उसी वक्त जिन का हाथ आइस से अलग हो जाता है, साथ ही उसका हाथ पहले जैसा भी हो गया था। ये देखकर जिली जिन से हैरान होते हुए पूछती है कि तुम्हारी बॉडी किस टाइप की है, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह कोई ऑर्डिनरी बंदा होता तो वो कोल्ड ऑरा को नहीं रोक पाता और मारा जाता। ये सुन के पीटर जिली से कहता है कि मेरे मास्टर ऑर्डिनरी पीपल से बहुत अलग है क्योंकि उनकी बॉडी बहुत मजबूत है। उसी वक्त जिनको याद आता है कि उस आइस फ्लावर को अगर इस प्योर आइस से मिला दिया जाए तो एक कल्टीवेटर की कल्टीवेशन स्पीड बढ़ जाती है। तो अब ये याद आने पर जिन पीटर से वो आइस फ्लावर मंगवाता है, जिसके बाद जिन आइस फ्लावर और प्योर आइस को मिला देता है, जिसकी वजह से वो कमरा बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। यहाँ तक कि पीटर से कंबल में रहने के बाद भी ठंड बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, साथ ही जिली को भी ठंड लग रही थी। ये देखकर जिन जिली को अपनी एनर्जी से गर्मी देता है, जिसे देखकर जिली शर्माने लगती है। तभी पीटर जिन से कहता है कि मुझ पर एनर्जी डालो क्योंकि मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। ये सुनके जिन पीटर से कहता है कि तुम पुशअप्स करो जिससे तुम्हारी ठंड भाग जाएगी। ये सुनके पीटर ऐसा करने लगता है, जिसकी वजह से अब उसे ठंड नहीं लग रही थी। अब जिन उस फ्लावर के कोल्ड ऑरा की मदद से मेडिटेशन करने लगता है, जहाँ जिन जब ऐसा कर रहा था तब जिली जिन का डिवाइन स्टैचू और ऑरा देखकर चौंक जाती है। तभी वहाँ आसपास पर्पल ऑरा फैल जाता है, जिसका मतलब था कि जिन थर्मल लेवल के सेकंड स्टेज पर पहुँच गया है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।